नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आज परखा जाएगा आपकी तैयारी को, क्या आप वर्दी पाने के असली हकदार। अगर आप वर्दी पाने के असली हकदार हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37/37 स्कोर करना ही होगा। अगर आप 37/37 स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप वर्दी पाने के लिए अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाए, क्योंकि अगर आप इस समय मेहनत नहीं करोगे तो आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति इस समय वर्दी पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो आप लोग दिन रात मेहनत करिएगा और वर्दी पाने का जो आपका सपना है वो से आप साकार करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने पेज ट्राई किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने की भारत की प्राचीन भाषा है तो कौन सी है। भारत की प्राचीन भाषा ये आपको बताना है। तो कौन सी है भारत की प्राचीन भाषा, तो भाषा है संस्कृत। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है उपनिषदों की संख्या ये आपको बताना है। तो इनकी संख्या है 108। कितनी है, 108 है उपनिषदों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है, तो किस शब्द में द्वित व्यंजन है वो आपको बताना है। तो किस शब्द में द्वित व्यंजन, तो ये द्वित व्यंजन है दिल्ली में। किस में है, दिल्ली में द्वित व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है, तो किन वर्णों को माना गया है स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती, तो ये माना गया है अंतास्थ व्यंजन। किसे, अंतास्थ व्यंजन को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा भारतीय शब्द का बहुवचन ये आपको बताना है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा भारतीयों, क्या हो जाएगा भारतीयों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है पर, तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो अधिकरण में क्या आता है में और पर आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बोलने वाले सर्वनामों बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, तो उन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लठैत शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा है लठैत शब्द में प्रत्यय आपको ये बताना है, तो इसमें प्रत्यय है एत। कौन सा प्रत्यय है, एत प्रत्यय है लठैत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है दुस्साहस में ये आपको बताना है, तो कौन सा उपसर्ग है, तो दुस्साहस में उपसर्ग है दुस। कौन सा है, दुस है उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वस्त्र आकाश मेघ बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो वस्त्र आकाश मेघ बादल ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये अनेकार्थी हैं अंबर के। किसके हैं, ये अंबर के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ नौका है, तो किसका अर्थ नौका है ये आपको बताना है। इन चारों शब्दों में से कौन से शब्द का अर्थ नौका है, तो इसमें अर्थ है नौका तरणी का। किसका अर्थ है, तरणी का अर्थ नौका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन आकलन शब्द का विलोम है, तो आकलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आकलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विकलन, विकलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन से विलोम शब्द में गलत दिया गया है, तो किस में दिया गया ये आपको छांटाना। क्षर अक्षर सही लिखा, स्वल्पायु चिरायु सही लिखा, समास व्यास ये सही लिखा, तो आहार का होता है निराहार, क्या होता है आहार का निराहार होता है ऑप्शन नंबर डी इसमें त्रुटि है, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की निम्नलिखित में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए, तो बताइए कि इनमें से कौन सा है जो बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो असम शब्द है कि बैल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है असम शब्द है जो बैल का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए, तो इनमें से कौन सा है जो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है सौंदर्य का पर्यायवाची, तो इसमें जो रमणी है, कौन सा रमणी शब्द है ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निर्देश दिया गया 21-22 के लिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपको 21 और 22 में बताना है कि कौन सा विकल्प है जो शुद्ध लिखा गया है, तो बताइएगा 21 में 21 विकल्प की वर्तनी शुद्ध है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उत्सव इसकी वर्तनी शुद्ध है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है ऑप्शन नंबर 22 में कि निर्दर्शन कैसे लिखा जाएगा, तो जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी में निर्दर्शन ये सही लिखा है, बाकी के तीनों गलत लिखे, तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भाव है वो शब्द, तो कौन सा हो जाएगा, तो जिसमें हल्दी है ये तद्भाव है, कौन सा हल्दी है ये तद्भाव है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी का होता है हरिद्रा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भाव है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भाव है, तो इसमें जो तीन है कौन तीन है ये तद्भाव है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमूल्य, क्या हो जाएगा अमूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि थोड़ा नपतुल्ला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, थोड़ा नपतुल्ला भोजन करने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मिताहारी, क्या हो जाएगा मिताहारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 निम्नलिखित पदांश को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए, तो आपको 27 और 28 में छंद बताना है कि इनमें कौन सा छंद है, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 के मंगल भवन अमंगलहारी दृभौस दशरथ अजर बिहारी, तो इनमें से कौन सा छंद है वो आपको बताना है, तो कौन सा छंद है क्वेश्चन नंबर 27 में, तो इसमें ये है चौपाई छंद, कौन सा चौपाई छंद है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है, तो इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें छंद है दोहा छंद, कौन सा है दोहा छंद है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। आप मात्राओं के आधार पर चेक कर लीजिएगा कि इसमें कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में आपको अलंकार बताना है कि क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में कौन कौन से अलंकार हैं, तो क्वेश्चन 29 के चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फीटों से, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार, जहाँ रावण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो रही है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांधा था विदू को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, तो इनमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, तो
कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा तो इसमें ये बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने को रंग में भंग के रचनाकार कौन है, तो कौन है रंग में भंग पुस्तक के रचनाकार, तो इस पुस्तक के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। कौन से हैं रंग में भंग के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतितों के देश में किसकी रचना है, तो किसकी रचना है पतितों के देश में, तो ये रचना है राम वृक्ष बैनीपुरी की। किसकी है राम वृक्ष बैनीपुरी की ये रचना है पतितों के देश में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए वाक्य में प्रस्तुत दांत गड़ा दिए का अर्थ है, यानी आपको बताना है कि जो दांत गड़ा दिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही अर्थ दांत गड़ा दे मतलब हो जाएगा, इसका अर्थ होता है कि दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, क्या हो जाएगा दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांद पर थूकना मुहावरे का आशा है, तो क्या अर्थ हो जाएगा चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ हो जाएगा असंभव काम करना, क्या असंभव काम करना, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कलाई खोलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो क्या इसका सही अर्थ हो जाएगा कलाई खोलना मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ हो जाएगा भेद प्रकट खोलना, यानी आपका जो भेद है वो खुल चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो आपके सामने चारों विकल्प दिए गए, आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो शुद्ध लिखा है, तो इसमें कौन सा लिखा है, तो इसमें लिखा गया है उसने मिष्ठान खरीदा, उसने मिष्ठान खरीदा, ये शुद्ध लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, तो आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध लिखा गया, तो कौन सा लिखा गया, तो इसमें शुद्ध लिखा गया उसके प्राण निकल गए, क्या उसके प्राण निकलेगा, ये शुद्ध लिखा गया, बाकी आप पढ़ोगे तीनों को तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसके लिए वो गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 40 में आपको त्रुटि छांटनी है, जिस भाग में त्रुटि होगी उसको आपको ए के रूप में निरूपित करना है, अगर त्रुटि नहीं है तो आपको उसे डी के रूप में निरूपित कीजिएगा, तो पढ़ लीजिए 38, 39, 40। तो पढ़ते हैं 38 में कि नहर में दरार पड़ जाने से व्यापक क्षेत्र में पानी भर गया, तो दरार नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, होती नहर में दरार, क्या नहर में दरार होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा, दरार होना चाहिए या कटाव सही होना, कटाव पड़ जाने से व्यापक, दरार छोड़ कटाव शब्द सही बैठेगा यहाँ पे अर्थ। जब सारे देश का लक्ष्य एक हो, संकल्प एक हो, तो सफलता कदम चूमती है कोई त्रुटि नहीं, तो आप यहाँ देखोगे जब सारे देश का लक्ष्य, लक्ष्य गलत लिखा है, लक्ष्य गलत लिखा गया है, तो वही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने स्वतंत्रता किंचित एकमात्र अवसर या अधिकार ही नहीं होता एक दायित्व भी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर किंचित स्वतंत्रता, यहाँ पर किंचित शब्द नहीं आना था, स्वतंत्रता मात्र एक अवसर या अधिकार ही नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथी।